हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छब्बीस यम्मी रेसिपी में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मिक्स वेज पकौड़ियाँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हरी मिर्च को कुछ इस तरह से बारीक बारीक काट के रख लेंगे। मैंने यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्याज लेंगे और प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक हम काट कर रख लेंगे। बिल्कुल बारीक हमें प्याज भी काटनी है। 4 से 5 मीडियम प्याज आपको यहाँ पर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर आलू को भी बिल्कुल बारीक बारीक कुछ इस तरह से काट लेंगे। 7-8 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने कच्चे आलू लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, ये भी हमें बारीकी काट लेना है। और अब हम यहाँ पे आलू, प्याज और हरी मिर्च को मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग 1/2 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन लिया है और पानी बहुत थोड़ा डालना है इसमें, कुछ इस तरह से कि बेसन ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें कुछ इस तरह से पकौड़ियों को डाल देंगे और उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, हमें ये पकौड़ियाँ बनानी हैं, हाई फ्लेम पर नहीं बनानी है, उससे हमारी पकौड़ियाँ अंदर तक सिक जाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर हमारी ये तैयार हो गई हैं। और अब हम इनको हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों चटनी आपको कैसे बनानी है इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।